वेलकम टू माई चैनल एविरोक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ जो मैच कवर करने हैं, जो कि खेला जाएगा कोरियन बेस कोरियन फुटबॉल लीग का SSB वर्सेस BSN के बीच 1 घंटे 26 मिनट बाद। बात करूँ भाइयों इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एविरोक्स ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो भाइयों 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे। और मैंने आपके सामने टीम दी थी जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब किसी भी चैनल पे कंपैरिजन कर लेना कि जैसे कि आपको पता है ये इस प्लेयर की सिलेक्शन इतनी कम थी, सारी जनता इसके साथ गई एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन, लेकिन मैं इसके साथ गया और इसने 1 गोल प्लस 1 असिस्ट कर चुका है भाइयों ये। और आपको पता ही है क्या अल्ट्रा क्लीन स्वीप आ गई है। और अगर आप भी ऐसे जीतना चाहते हो तो फटाफट जुड़ो और मैं आपको प्रूफ दिखा ही रहा हूँ। तो चलता हूँ आगे, बात कर लूँ अगर मैं इस मैच की, ये मैच भी कोरियन लीग, तो यार मैं कोरियन लीग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मेरे को पता है कोरियन लीग का एक एक प्लेयर के बारे में जानता हूँ कि कौन क्या कर सकता है, कौन कितनी हद तक जा सकता है, कौन कितनी किसके अंदर पावर है। तो बात करूँ गोलकीपर की, तो यार गोलकीपर मैं लूँगा के जोंग हो एल एल, जो कि मैं आपको बताऊँ गोलकीपर इसमें कोई मायने अभी नहीं रखता क्योंकि सारी जनता यार उसके साथ गई है एंड डोंग के साथ। मैं अभी चाहूँ भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे सारे एक टीम के पूरे हो चुके हैं। मैं जान के इसको ड्रॉप किया बिकॉज एंड डोंग योन आज मेरे हिसाब से BSN का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि BSN पहली लो टीम है, उनसे गोल होएगा नहीं, और अगर हुआ भी तो बाय चांस ही आपको आराम से 5-6 पॉइंट दे देगा, लेकिन जो हमारा गोलकीपर है वो आपको 6 से 7 पॉइंट देने की क्षमता रखता है। बात करूँ डिफेंडर की तो एल जोंग सियोंग, अब आप सोच रहे हो कि भाई शुरू के आपने 3-3 उठा लिए, अब इनका एक फैक्ट है मैंने क्यों उठाए हैं। एल जोंग सियोंग को मैंने इसलिए उठाया, एक्चुअली पहले ये डिफेंडर नहीं था, पहले मिडफील्डर था। बात सुनो मेरी, इसकी पोजीशन कर दी चेंज, इसको डाल दिया डिफेंडर में। अब इसको पता है कि मिड फील्डिंग करते हो डिफेंड कैसे करनी है, तो इस प्लेयर को बहुत एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। एम सैंग की बात करूँ, एम सैंग की ऐसा है भाइयों जो कि मैं आपको बताऊँ, डी हेनरी है एक प्लेयर आप देख रहे होंगे, डी हेनरी एंड एम सैंग की दोनों प्रॉपर डिफेंडर्स हैं और दोनों को इतना एक्सपीरियंस है, और डी हेनरी तो यार अलग ही खेलता है। आप इसकी प्लेइंग देखोगे ना पूरी गेम में विदाउट गोल एंड असिस्ट के ये तीनों प्लेयर आपको 8 से 9 पॉइंट देके जाने वाले हैं। बात करूँ मिडफील्डर की तो रोमुलो यहाँ से आपको बहुत अच्छी पिक मिलती है, बहुत ही बढ़िया खेलता है रोमुलो भी भाइयों, लेकिन मैं रोमुलो के साथ कैप्टेंसी चुनना नहीं चाह रहा, मेरे को मतलब ऐसा अलग सा लग रहा है कि यार कैप्टेंसी कैसे चुनूं, चाहता भी हूँ जाना लेकिन नहीं भी, क्योंकि भाई वाइट टीम एक तरह स्ट्रॉन्ग भी लग रही है लेकिन ब्लैक वाली भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें बराबर की टक्कर है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करना। के मीनू की बात करूँ, के मीनू जो कि मिडफील्डिंग सेक्शन पे आपको मिल जाते हैं, 25 पॉइंट इनके शो कर रहा है, इन्होंने स्टेटस उड़ा दिया पीछे से, और आपको बताऊँ इसलिए इन्होंने स्टेटस उड़ाया क्योंकि भाइयों जो प्लेयर पिछली लीग नहीं खेले थे उनका स्टेटस आजकल ड्रीम 11 नहीं रखता कि लोगों को प्रॉब्लम आए, तो हमारे पास पूरा स्टेटस है, टेंशन मत लेना। एम जुन जय की बात करूँ, एम जुन जय ये तीनों मैंने ऊपर से इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये तीनों सेफ प्लस गुड प्लेयर्स इनका नाम आता है, और नीचे से आ जाऊँ तो मैंने एक लो प्लेयर उठाया है के हियक क्यू, अगर इसने असिस्ट या गोल किया, अगर अनएक्सपेक्टेड हुआ चलो मान लो, क्योंकि BSN पे मुझे उम्मीद तो नहीं है, अगर मान लो वैसे ही आपको 4-5 पॉइंट दे गया ना तब भी जीत जाओगे आप। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो यार मेरे को नहीं पता इस प्लेयर की सिलेक्शन इतनी कम कैसे हो गई है, नहीं तो ए टैगर्ट इतना टॉप का प्लेयर था कि इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम था, गोल करने से कम बात नहीं करता था ये प्लेयर। और आगे से बात करूँ लियो जोंग ह्योप को, लियो जोंग ह्योप के साथ अधिकतर जनता एज अ वाइस कैप्टन जाने वाली है या फिर एज अ कैप्टन जाएगी, क्योंकि कैप्टन इस प्लेयर में बहुत जोर है, पूरी टीम में अगर देखा जाए तो इस ये प्लेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे से बात करूँ यहाँ से लोगों वाई की हुन को, तो वाई की हुन को मैंने इसलिए उठाया है मैं एक ना एक लो प्लेयर ज़रूर उठाता हूँ अपनी टीम में। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, देखो अब आपको लग रहा होगा टीम आपकी उधर की है लेकिन कैप्टन इधर के, अब इस बात को मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ, ये मेरी जो टीम है ये सेफ। देखो अगर ये दोनों कैप्टन अच्छा मैं कहूँ अगर कैप्टन 2 गोल कर गया और रोमुलो 4 असिस्ट कर गया मान लो, कोई तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस टीम से। हमें इस टीम में क्या चाहिए, वाइट पावर, मतलब वाइट टीम जो करेगी उससे हम जीतेंगे। तो जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के देना चाहता हूँ वो है भाइयों ये, जो इस टीम से मैं जाऊँगा अभी अगर मैं चेंज करूंगा तो आपको पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन।